जीएस वाली के भाजपा में जाने की चर्चा के सवाल पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पिछले कल कहा कि अगर वे भाजपा में जाना चाहते हैं तो जाएं, वो उनकी इस धमकी से नहीं डरते। पर जीएस वाली ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री समझते हैं कि वो उनके मंत्रिमंडल में एक नालायक मंत्री हैं तो वह उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री फ्री हैं कि उनको रखना है या नहीं रखना, मुख्यमंत्री के हाथ में है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रियों के साथ कैबिनेट में कोई मतभेद नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में डिबेट और डिस्कशन होती है, वह अपना दृष्टिकोण देते हैं और उनका दृष्टिकोण जनता के हित में होता है और वह अपना दृष्टिकोण लगातार देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उसको कोई मतभेद कहता है तो उनको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लोकसभा सांसद शांता कुमार के बयान की हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही ब्लू व्हेल गेम खेल रहे हैं, इसलिए भाजपा रिकॉर्ड सीटों से जीतेगी और कांग्रेस की बड़ी हार होगी। पर परिवहन मंत्री जीएस वाली ने कहा कि पिछले कल उनका जन्मदिन था, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वह उनकी लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैबिनेट में मतभेद कुछ नहीं रहे, कभी नहीं रहे। कैबिनेट में डिबेट होती है, डिस्कशन होती है और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है पब्लिक के हित में होता है और वो मैं लगातार देता रहूंगा। अगर उसको कोई मतभेद कहता है तो मुझे उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और जहां तक आप कह रहे थे अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं फ्री हूं कहीं भी जाने को, तो वो फ्री है, मुझे रखना है कि नहीं रखना उनके हाथ में है, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको लगता है कि मैं नालायक मिनिस्टर हूं तो मुझे कभी भी वो चलता कर सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। ही इज द बॉस ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के मुख्य है वो, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। बढ़िया हेल्दी वेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ को मेरी शुभकामना।